हमारी तेज भागती दौड़ती जिंदगी लाइफ को मैनेज करने और उसे होने वाली सारी टेंशन्स हमें बहुत थका देती हैं और हम छोटी छोटी बातों को खुद पर हावी होने देने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम सोचना शुरू कर देते हैं। इन ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम्स को कैसे रोका जाए, ये बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी का नाम है द बर्डन। दो साधु शाम को अपने स्थान पर वापस जा रहे थे और उस शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी रोड साइड एक खूबसूरत महिला उस रोड को पार करने के लिए परेशान थी, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे थे। ये सब वो दोनों साधु देख रहे थे। तभी उन दोनों में से जो बड़े साधु थे, उन्होंने उस महिला को अपने गोद में उठाकर रोड पार करा दिया। घर लौटने के बाद दूसरे साधु ने पूछा कि हमें औरतों को हाथ लगाने की तो इजाजत ही नहीं है। साधु ने जवाब दिया, मैंने तो उसे वहीं रास्ते पर ही छोड़ दिया, पर तुम उसे अभी तक अपने सोच में उठाए हुए हो। एक साइकोलॉजी टीचर क्लास में आधे ग्लास पानी लेकर आती है और बच्चों से पूछती है, इस ग्लास का वजन क्या है। सभी बच्चे कुछ न कुछ वजन बताते हैं। कोई कहता है 100 ml, तो कोई कहता है 150 ml। टीचर सब खामोशी से सुनती है। सब सुनने के बाद टीचर कहती है, इस ग्लास का वजन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने इसे कितनी देर तक होल्ड किया है। अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए पकड़ूंगी तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। 1 घंटे के लिए पकड़ूंगी तो मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और अगर पूरे दिन के लिए पकड़ूंगी तो मेरे हाथ पैरालाइज्ड हो जाएंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक इसी तरह प्रॉब्लम और थॉट्स होता है। हम जितनी देर तक किसी बात को लेकर चिंता करेंगे, वो हमारे अंदर उतना ही जड़ बनाता चला जाएगा और हम सोचते ही रह जाएंगे। इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीख मिली? सीख ये है कि हम अपनी सोच को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी कभी यही हमारी ओवरथिंकिंग की वजह बन जाती है। अगले बार से जब भी कभी आप इस तरह की सोच में घिरने लगो, तो एक बार जरूर नोटिस कीजिएगा कि ये थॉट्स आपके मूड को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। कहीं आप चिड़चिड़े तो नहीं हो रहे, या फिर आप गिल्टी फील तो नहीं कर रहे। आप जब भी ये नोटिस कर लोगे कि आपके थॉट्स के पीछे किस तरह के इमोशंस हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। वैसे भी खुद को जागरूक करना अपने माइंडसेट को बदलने की चाबी होती है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश। दूसरों के परेशानी में उनकी मदद करना आपको खुद बहुत अच्छा फील कराता है, आपकी ब्रेन को रिलैक्स रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो अपने लाइफ के डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हों, आपको जब ये रियलाइज होगा कि आपकी मदद के कारण किसी का दिन अच्छा गुजर रहा है, ये खुशी आपके दिमाग से उन सारे नेगेटिव थॉट्स को कोसों दूर रखेगी, बल्कि आप और लाइफ में फोकस्ड हो जाएंगे। लंबी लंबी सांसें लीजिए। अच्छा, आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि लंबी लंबी सांसें भरने से टेंशन कम होती है। तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि वाकई में ये काम करती है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो अगली बार जब भी आपकी सोच आपको परेशान करने लगे, तो घर के एक फ्रेश एयर वाले रूम में जाकर आराम से पहले अपने गर्दन और कंधे को रिलैक्स रखते हुए बैठ जाएं। अपने नाक के थ्रू जोर जोर से सांस अंदर और बाहर करने लगिए, लेकिन इस दौरान चेस्ट और पेट की मूवमेंट सांसों के साथ होनी चाहिए। आपके दिमाग में जिस भी टॉपिक को लेकर ओवरथिंकिंग चल रहा है, क्या वो आज से 5 या 10 साल बाद कोई मायने रखेगा? अगर जवाब नहीं है, तो प्लीज इस तरह के थिंकिंग को अपने प्रेजेंट को खराब करने मत दीजिए। लेकिन अगर जवाब हाँ है, तो इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। अपने सक्सेस को अप्रिशिएट कीजिए। जब भी कभी आप ओवरथिंकिंग के धुन में फंस जाओ, तो फौरन अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें उन सभी अच्छी बातों को ऐड करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो, आप छोटी छोटी बातों को भी नोट कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना, कॉफी पीना, कार की सफाई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। जब आप इन सारे पॉइंट्स को देखोगे, तो आप में एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको कुछ समय के लिए ओवरथिंकिंग से छुटकारा दे देगी।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो बार बार उसे रिपीट कीजिए, यह काम जरूर करेगा। आज में जीना सीखिए। मेडिटेट करने का काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। दिन भर में कुछ टाइम आप अपने फोन और कंप्यूटर से दूरी बनाए रखिए और उस टाइम को आप अपने फेवरेट एक्टिविटीज को करने में दीजिए। खुद को अपने पसंदीदा खानों से ट्रीट दीजिए, उसे स्मेल कीजिए, मुंह में उसके फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स को पहचानिए। थोड़ी देर बाहर जाकर घूमिए, ज्यादा नहीं, आप बिल्डिंग का एक दो चक्कर लगा सकते हैं। अपने डर को गले लगाओ। हमारी लाइफ में कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती और उसे एक्सेप्ट करने से हम अपनी परेशानी को बहुत कम कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये बोलने में जितना आसान है करने में उतना ही टफ, ये रातों रात भी नहीं होगा, लेकिन हमें हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। दूसरों से मदद मांगे। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ गई हो तो काउंसलिंग करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हमारे नजरिया बदलने में बहुत मददगार होते हैं। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर कीजिए। हमारे दिमाग में चल रही उथल पुथल हमारी खुद की ही देन होती है। हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारी सोच भी उसी तरह की बनती चली जाती है, इसलिए जरूरी है कि हम सेम टॉपिक पर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, उस पर विचार करें और सब सही लगे तो उसे खुद की लाइफ में उतारने की कोशिश भी करें। ठोस कदम उठाइए। कभी कभी हम सेम थॉट्स को बार बार आने से नहीं रोक पाते क्योंकि उसे रोकने के लिए हम कोई ठोस कदम भी तो नहीं उठाते। मान लीजिए आप अपने दुश्मन के बारे में लगातार सोचते रहते हो और इस वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, तो बेहतर है कि ये सोच को आप अपनी ताकत में बदल लीजिए और खुश रहना सीखिए। लाइफ में बेटर चॉइसेस होते हैं। ब्रेन को भटकाने के लिए एक पॉजिटिव रास्ता तलाशिए। अपनी उन हॉबीज को फिर से करना शुरू कर दीजिए जिसको करने में आपको खुशी मिलती हो। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज जरूर शेयर कर सकती हूँ। जैसे आप नए रेसिपीज ट्राई कर सकते हो, लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सोशल वर्क कर लिया जाए, गरीब अनाथ बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया जाए। हाँ, पेंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।